नमो नव नाथ गण चौरासी गोमेश आदि नाथ आदि पुरुष शिव गोरख आदेश। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाध्याय अपराजिता। सनातन भूमि भारत पर समय समय पर अनेक संप्रदाय उत्पन्न हुए, हालांकि उन सभी का आखिरी लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति हो रहा है, लेकिन साधना पद्धति अलग अलग रही। इसमें से कुछ ऐसे संप्रदाय और सन्यासी हुए जो भारत की आध्यात्मिक परंपरा के लिए नींव का पत्थर साबित हुए, यानी उनकी शिक्षाओं और साधना पद्धतियों के आधार पर भारत में नया वैचारिक आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें से प्रमुख नाम है नाथ संप्रदाय का, जिसके 9 प्रमुख गुरु हुए हैं, जिनके बारे में आज मैं संक्षेप में आपको बताने का प्रयास करूंगी। वर्तमान में जिसके सर्व प्रमुख शिरोमणि योगी आदित्यनाथ है, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है और भविष्य में उनके भारत का प्रधानमंत्री बनने की संभावना भी जताई जा रही है, नाथ संप्रदाय ने ही भारत को वो वैचारिक परंपरा प्रदान की, जिसके आधार पर सिख बौद्ध आदि कई धर्म आज भी खड़े हैं। नाथ संप्रदाय में किसी भी प्रकार का भेदभाव आदि काल से नहीं रहा है। इसकी शिक्षा को किसी भी जाति वर्ण या किसी भी उम्र में अपनाया जा सकता है। नाथ सन्यासी अर्थ काम क्रोध मोह लोभ आदि को त्याग कर समस्त संसार से मोह छोड़कर शिव भक्ति करते हुए समाधि लगाकर लीन हो जाते हैं। प्राचीन काल में अनेक राजा महाराजाओं ने भी अपना राजपाट छोड़ नाथ सन्यासी बनना स्वीकार किया। नाथ संप्रदाय में वर्षों की कठोर तपस्या के बाद ही सन्यासी को दीक्षा दी जाती है। दीक्षा पाने वाले को उम्र भर कठोर नियमों का पालन करना होता है। नाथ संप्रदाय की शुरुआत स्वयं भगवान शिव से होती है, जो कि आदि नाथ के नाम से जाने जाते हैं। उनके बाद स्थान आता है आदि गुरु यानी दत्तात्रेय का, जो कि ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों के संयुक्त अवतार माने जाते हैं। नाथ संप्रदाय की शुरुआत करने वाले इन दोनों दैवीय व्यक्तियों के बाद 9 नाथों की परंपरा शुरू होती है, जो कि मनुष्य थे। इसमें से पहले हैं मच्छिंद्रनाथ, जिन्हें मीननाथ भी कहा जाता है। मान्यता है कि इन्होंने मछली के रूप में स्वयं आदिनाथ शिव से ज्ञान प्राप्त किया था, इसीलिए उन्हें मीननाथ कहा गया। बाद में उन्होंने आदि गुरु भगवान दत्तात्रेय से दीक्षा प्राप्त की थी। उनके बाद आते हैं गोरखनाथ, जो कि स्वयं शिव के अवतार माने जाते हैं, और भारत में शायद ही कोई ऐसा हो जो कि उनका नाम ना जानता हो। वर्तमान में गोरखपुर में उनका प्रसिद्ध मठ है, जिससे पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ है। इनका जन्म गुरु मच्छिंद्रनाथ की दी हुई भस्म से गोबर के ढेर से हुआ है, इसीलिए उन्हें गोरखनाथ कहा गया। वो काल की सीमाओं से परे है। उनका जिक्र भगवान राम के राज्याभिषेक से के समय त्रेता युग में और कृष्ण रुक्मिणी के विवाह समारोह में द्वापर में भी आता है। बाबा गोरखनाथ अजर अमर है। उनकी वाणियाँ गुरु ग्रंथ साहिब में भी ली गई है। इसके बाद 9 नाथों में तीसरा नंबर आता है बाबा गहिनी नाथ का, जिन्हें गुरु गोरखनाथ ने मिट्टी के पुतले में प्राण फूंक कर जीवित किया था। चौथे नाथ थे जलंधर नाथ,
जिनके नाम पर आज का जलंधर शहर बसा हुआ है। उनका जन्म यज्ञ कुंड से हुआ था। तिब्बत में उनकी बहुत मान्यता है। बाबा जलंधर नाथ के नाम पर हठ योग का पूरा एक अध्याय समर्पित है, जिसे जलंधर बंध के नाम से जाना जाता है। उनके बाद नंबर आता है कानिफ नाथ का, जिन्हें कृष्णपाद के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में उन्हें कन्होवा के नाम से जाना जाता है। वो बाबा जलंधर नाथ के शिष्य थे। कानिफ नाथ ने ही कापालिक संप्रदाय की स्थापना की थी। उन्होंने हे वज्र और शैव योग को मिलाकर एक अलग विशिष्ट साधना पद्धति का निर्माण किया था। वो जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषि भदेव के पुत्र थे। इसके बाद छठे नाथ है भर्तृहरि नाथ, जिन्हें लोक भाषा में भरतरिह नाथ भी कहा जाता है। वो उज्जैन के राजा थे, लेकिन अपनी पत्नी के चारित्रिक पतन से दुखी होकर बाबा गोरखनाथ से दीक्षा ग्रहण की और सन्यासी बन गए। सातवें नाथ है रेवणनाथ, जिनका जन्म आदि गुरु दत्तात्रेय के वरदान से रेत यानी बालू की प्रतिमा से हुआ है। उन्हें प्रथम नाथ बाबा मच्छिंद्र नाथ ने दीक्षा प्रदान की थी। आठवें नाथ है नागनाथ, जिनका जन्म एक नागिन के अंडे से हुआ था, जिन्हें आदि गुरु दत्तात्रेय ने ज्ञान प्रदान किया और बाबा मीन नाथ ने दीक्षा दी थी। नागनाथ ने भगवान शिव और श्री हरि दोनों के दर्शन किए थे और उन्हें 64 विद्याओं का ज्ञान था। आखिर और नवें नाथ है बाबा चरपटीनाथ, जो कि गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। उनका जन्म ब्रह्मा के तेज से हुआ था। इन नौ नाथों का भारत की दार्शनिक और सन्यास परंपरा में बड़ा योगदान है। इनकी शिक्षाओं ने सभी संतों को प्रभावित किया है। आज भले ही दुनिया उन्हें भुला चुकी है, लेकिन उनके वाणी आज भी जीवित है। ओम श्री नवनाथाय नमः।